झारखंड निर्वाचन बीजेपी पक्ष संकल्प पत्र केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह संकल्प पत्र उन्मोचन कर अगर हिम्मत है तो इसका जवाब झारखंड की जनता को दीजिएगा। जिस कांग्रेस की गोदी में आप बैठे, जिस लालू प्रसाद की गोदी में आप बैठे, यूपीए की सरकार थी 2004 से 14 तक, यूपीए सरकार ने डिवोल्यूशन फंड और ग्रांट इन एड के माध्यम से झारखंड को 10 साल में कितना रुपया दिया, आप आंकड़ा जारी करिए। मुझे मालूम है कि आप आंकड़ा जारी नहीं करोगे, इसलिए मैं ही कर देता हूं। 10 साल में झारखंड को सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया देने का काम यूपीए सरकार ने 2004 से 14 के बीच में किया, और मोदी जी ने 2014 के से 24 के बीच में 84,000 करोड़ के सामने 3,08,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने देने का काम। जवाब आपको देना है हेमंत सोरेन जी, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना है। ये 3,80,000 करोड़ के अलावे 81,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, 15,000 करोड़ रुपया सड़क निर्माण के लिए और 65,000 करोड़ रुपया रेलवे के विकास के लिए देने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है। मैं आज कहना आया हूं 57 पुराने स्टेशनों का पुनर्विकास मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड के हो रहा है, 9 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है, रांची जमशेदपुर इंटर कॉरिडोर बन रहा है, देवधर बोकारो और जमशेदपुर में हवाई अड्डों का विकास और निर्माण हुआ है, और सबका साथ सबका विकास के सूत्र के साथ बिरसा मुंडा के गांव में देश का प्रधानमंत्री पहली बार जाकर धरती आबा को प्रणाम करने का काम कर। जवाब तो आपको देना है। आयुष्मान भारत योजना झारखंड से मोदी जी ने लॉन्च की, देश भर के गरीबों का कल्याण करने वाली, रोजगार देने वाली मुद्रा योजना एक छोटे से झारखंड से मोदी जी ने लॉन्च की, और पीएम जनमन योजना जो सालों से पिछड़ी हुई आदिवासी आदिम जातियां थी, इनके विकास की योजना भी बिरसा मुंडा से के गांव से मोदी जी ने लॉन्च करने का काम किया। आईआईएम का उद्घाटन रांची में हुआ, आईआईआईटी का उद्घाटन, इसकी आधारशिला रखी गई, और बाबा बैद्यनाथ के धाम को प्रसाद योजना के तहत लेने का काम किया गया। 17 जिलों में विश्वकर्मा योजना से कौशल और वित्तीय मदद मिल रही है, और ढेर सारे काम उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से इसी तर्ज पर देश के 60 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, शौचालय, 5 लाख का पूरा बीमा, गैस का सिलेंडर और 5 किलो तक अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं झारखंड की जनता को बताना चाहता हूं कि इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई एक राज्य है तो हमारा झारखंड है। झारखंड की 70% आबादी को ये सारे लाभ देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 5 साल तक जो हेमंत सोरेन सरकार चली, वो सरकार ने ढेर सारे ऐसे काम किए जिससे झारखंड की जनता आज उमता गई है। महिलाओं का अपमान, महिलाओं की दुर्दशा, इसके सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम हेमंत सोरेन सरकार ने किया है। झारखंड में नाबालिग लड़कियों की तस्करी, महिलाओं के अपहरण, इसमें पूरे देश में दूसरे स्थान पर आज झारखंड पाया जाता है। और 17 की तुलना में देखें, जब हमने सरकार छोड़ी, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 29% की वृद्धि हुई है, और बलात्कार के मामलों में 42% की वृद्धि श्रीमान हेमंत सोरेन आपके कार्यकाल में हुई है। आप माताओं बहनों की सुरक्षा करने के लिए विफल गए हो। 50 लाख तक की महिलाओं की संपत्ति की रजिस्ट्री
हमारी सरकार एक रुपये में करती थी, आपने वो योजना भी बंद कर दी और हम फिर से वो योजना आज इंट्रोड्यूस करने चाह रहे हैं। और हेमंत सोरेन जी, बाकी सारी चीजों का जवाब मत दीजिए, सिर्फ अंकिता हत्याकांड का जवाब दे दीजिएगा तो भी झारखंड की माताओं बहनों को मन में सुकून की प्राप्ति होगी। हजारों लाखों की संख्या में झारखंड की बेटियां दूसरी शादी तीसरी शादी कर एक घुसपैठिए उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं और आप वोट बैंक की लालच में चुप बैठो, उनके पास से भेंट लेकर उनकी संपत्ति हड़प करने का एक षड्यंत्र एक घुसपैठिए चला रहे हैं। हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेती है, एक ऑर्डर करती है कि घुसपैठिए को चिन्हित करिए, इनको डिलीट करिए, डिटेक्ट करिए और डिपोर्ट करिए। झारखंड सरकार ना बोलती है, हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। और जो घुसपैठिया जमीन हड़प कर बैठे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, चैन की नींद सोना बंद कर दो, भाजपा सरकार आएगी, ये भेंट से दान से जमीन हड़पाने का कानून हम लाएंगे, इसको प्रतिबंधित करेंगे और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाकर जिन महिलाओं का भूमि गया है उनको फिर से वो महिलाओं के नाम पर लाने का काम भी करेंगे। हेमंत सोरेन, आप झारखंड प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रहे हो। 5 लाख युवाओं को प्रति साल नौकरी देने का आपने वादा किया था, मैं आपसे लिस्ट मांगने आया हूं, जरा 25 लाख युवाओं तो छोड़ो, 5 लाख का भी लिस्ट आप घोषित कर दो। युवा आपको ढूंढ रहा है, चुनाव में मैदान में जाइए तो मालूम पड़ेगा कितना आक्रोशित है। मुझे ठीक याद है, मैं भी चुनाव के प्रचार में था, आपने कहा था सालाना 5 लाख युवाओं को नौकरी नहीं दूंगा तो पद से इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा छोड़िए। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।